अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय बहुत ही ज़्यादा लेट व्लॉग। कोई हैप्पी मोमेंट आ नहीं रहा था तो इसलिए लेट व्लॉग बहुत लेट हो गया। तो यह है संडे मॉर्निंग और आयशा जो है फेस वॉश कर रही हैं अपना, बहुत ही ज़्यादा फेस वॉश लगा के। और आज है संडे और हम जा रहे हैं सिस्टर के घर, अम्मी की उम्र की दावत है। और यहाँ पे बच्चों को मैंने नहला के और तैयार करके जो है, तैयार वो वाला तैयार नहीं है, वो तो शाम में होंगी, अभी ये दोपहर हो रही है तो बिठा दिया मैंने इनको एक जगह। उसके बाद फिर खाना वाना हमने खाया, उसके बाद फिर ये दोनों के ड्रेसेस हैं जो कि मैं लेकर आई थी शॉर्ट्स के साथ, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने सोचा कि शॉर्ट्स सही रहेंगे। इन लोगों के पास शॉर्ट्स थे भी नहीं तो इसलिए मैं ये शॉर्ट्स और टी शर्ट्स मैचिंग की लेकर आई थी। और ये देखें, अरूबा की येलो और आयशा की वाइट है। उसके बाद फिर जो आयशा को मैंने रेडी कर दिया था यहाँ पे, इनके मैंने हेयर्स बनाए कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग करके, क्योंकि आयशा को हेयर्स पे बहुत ज़्यादा स्कैल्प पे स्वेटिंग होती है तो इसलिए मैंने इनके इस तरह से बनाए। और अरूबा को मैंने ऐसे रेडी किया, ये अरूबा का पोज। और ये अपनी पोनी दिखा रही है कि मैंने पोनी भी लगाई हुई है। उसके बाद फिर ये मेरा ड्रेस है, ये तो देखा होगा आप लोगों ने पहले की मेरी प्रीवियस वीडियो में कि मैं ये लेकर आई थी लकी वन से, बस पहनना नहीं हो रहा था, बस मैंने आज ये निकाला। मैंने कहा जिसको मैं पहनती हूँ, क्योंकि कलर बहुत ही प्यारा था इसका और इस हिसाब से बिल्कुल सही परफेक्ट जा रहा था, तो इसलिए बस मैंने लाइम लाइट से लिया था। मैंने स्मॉल साइज़ में, और स्मॉल साइज़ के ही आते हैं मुझे ड्रेसेस, पीछे से कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला है और आगे से कुछ इस तरह से। ये टू पीस ड्रेस लिया था मैंने 5000 में और बहुत ही प्यारा लगा ये वेयर करने के बाद। उसके बाद फिर जल्दी से मैं रेडी हो गई थी, रेडी हो रही थी क्योंकि बहुत लेट हो गए थे हम। और उसके बाद जल्दी जल्दी से मैंने ज्वेलरी भी पहन ली और उसके बाद हम निकल गए थे। तो ये अरूबा बैठी हुई हैं, सामने अमल हैं और ये आयशा। हम निकल गए थे जाने के लिए उनके घर, तो बस फिर उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए थे, हम मिले महम से अपनी। और उसके बाद फिर ये जो है मामू ने इनके वॉच गिफ्ट करी थी, जो इन्होंने ब्लू कलर की वॉच लगाई है मायरा की थी, तो कहने लगे कि ना मामू मेरी कहाँ है, तो मामू ने कहा, मजाक कर रहे थे कि नहीं मैं आपकी तो लेकर ही नहीं आया। आयशा नाराज़ हो गई थी, रोने लग गई थी, रोना आ गया था इनको। और ये सब तैयारी हो रही थी यहाँ पे, सारी चीज़ों की, खाना रेडी, खाने की तैयारी, और ये सारे फूल हार वगैरह। उसके बाद फिर अम्मी को हार पहनाया, ये देखें सब, ये सब आई हुई थी उनकी रिलेटिव सिस्टर की। और यहाँ पे बस जो है अम्मी हैं सामने उनकी, आप सिस्टर की मदर इन लॉ हैं। ये जो है अम्मी सबको जो है लेकर आई हैं, सबको गिफ्ट दे रही थी, ये देखें। तो बस ये छोटा सा क्लिप मैंने बना लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये जो है हार हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा इनकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि आजकल तो फ्लावर्स की इतनी स्मेल होती नहीं है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी आ रही थी। उसके बाद आ गया था डिनर का टाइम, यहाँ हमने डिनर किया, डिनर में बहुत कुछ था, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बिरयानी थी और रायता सैलेड, और इसके साथ सैलेड बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। उसके बाद ये थे रेशमी सीख कबाब ग्रेवी वाले, और ये थी चिकन स्टीम फॉइल के अंदर। उसके बाद प्लेट में निकाल लिया था मैंने खाना, आयशा बराबर में बैठी हुई थी, आयशा की वीडियो नहीं ली मैंने, आयशा ने भी माशाल्लाह से सही से खाना खाया क्योंकि उसको बहुत भूख लग रही थी, शाम में उसने कुछ भी नहीं खाया था तो इसलिए। और ये चिकन स्टीम कुछ इस तरह की थी, फॉइल चिकन इस तरह की बनी हुई थी। और उसके बाद था ये खुबानी का मीठा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का, सारे खाने बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। आप मेरी सिस्टर जो है उनकी नंद ने और उन्होंने मिलकर बनाया था, सब खाने बहुत अच्छे थे। उसके बाद फिर हमारा आ गया था घर जाने का टाइम,
और रेडी हो गए थे हम लोग घर जाने के लिए, और अरुबा को स्लीपर पहना रही थी, ये देखें। फिर हम लोग निकल गए थे, सब अपने बच्चे अपनी स्लीपर ढूंढ रहे थे, अल्लाह हाफिज़ कर रहे थे, और बस फिर हम ये निकल गए थे। हम इस गाड़ी के पास रुक गए कि शायद ये हमारी गाड़ी है, बट कंफ्यूज हो गए थे हम, क्योंकि सेम टू सेम हो गई थी, हमारी गाड़ी पीछे वाली थी। तो फिर हम जल्दी से फिर पीछे की तरफ गए, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था इतना। तो फिर उसके बाद हमारी ये वाली थी, तो हम इसमें बैठे। उसके बाद फिर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।